ये कंडीशन यूकेरियोटिक
प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा है ना, ये डीएनए है। इसे बोलते हैं अपन न्यूक्लियोटाइड। और ये हो गई स्टार रेनिक्स। ये स्ट्रक्चर जो बना रहे हो एट की शेप में बनाना है, एक छोटी एक बड़ी बनाना है ना। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे क्या बोलते हैं हम, राइजोबियम। और कौन सी सेल है ये, प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं, 70S या 80S? क्या है वो बताओ, अगर कुछ प्रश्न दिए बताओ। राइबोसोम में कौन सा टाइप का होता है राइबोसोम, प्रोकैरियोट में 70S। ठीक है, 70S का मतलब स्वेनबर्ग यूनिट है ना, स्वेनबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए उनको रिवार्ड देने के वजह से ले लिया। लेकिन यहाँ स्वेनबर्ग यूनिट नहीं है इसका, ऐसा क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि राइबोसोम अगर 70S है यानी लार्ज सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट होती है, और ये कैल्शियम प्लस टू मैग्नीशियम प्लस टू आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, जनरली ऐसे प्लस टू। तो ये जो है ये मिलके बनी होती है 50S प्लस 30S, ये सब पढ़ा होगा। तो 50 और 30 का मतलब तो 50 प्लस 30 कितने हो गए,
जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो देखो कि सेल वाले डेटा
उपाध्याय लेकिन चल वाल के भी उसमें क्या होता था तो मिस्टर का ये कि सारा सब है ना बाकी नहीं है ऐसा नहीं इसको कॉल करते तो उस केस में हम लोग को अगर कोई चीज कोई या कोई भी मटेरियल हमें सेल के अंदर एक बार हम क्या करते हैं उसके सेल की सेल वॉल मैनिफोल्ड जब प्लांट सेल की सेलुलेज The plant cell without cell wall is called okay, and protoplasm is a liquid protein okay, in prokaryotes. And in eukaryotes, protoplasm is made up of nucleoplasts. Okay, और मिलती है और उसे बोलते हैं गैस है और इसके चार तरफ क्या होगा एक स्ट्रक्चर और होगा इसे स्टार्ट करने के स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर रिंग और इसमें यहाँ पे क्या करेंगे ऐसे डिटेल्स लेयर क्या बोलते हैं स्मूथनेस प्रोवाइड ठीक है कई बार यहाँ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ना ऐसे तो उसको हम ठीक लेंगे ठीक है केमिकल्स कलेक्ट करते हैं ठीक है तो ये कौन सी होगी प्रोकैरियोटिक सेल ऑफ हेलिनिटी प्रोकैरियोटिक सेल ऑफ ठीक है कोई डाउट हो तो बता देना आगे के बारे में ठीक है वीडियो कैरियोटिक एल्गर एल्गी वीडियो कैरियोटिक एग्जाम्पल ये हो डाइनोफाइसी मैग्नस सीईटी डाइनो मीजोकैरियोटिक सेल्स कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
But they have not. But they have not. Chromosome and basic code.
बल्जिंग कॉम्प्लेक्स है ना। One is in red. और ये और अंदर की पॉपी सेल इतना शार्प नहीं करना उसके हेड को ना स्कॉर्पियो में। किसका डायग्राम है यूकेरियोटिक एलगी या माइक्रोबियल? और इसमें भी क्या बनाना बाकी रह गया? राइबोसोम बनाएंगे थोड़ी थी चलो बनाओ। और इसमें जो राइबोसोम बनेंगे वो कैसे होते हैं?
आगे कुछ चीजें जो सेल्फ ऑब्जर्वेटिव है, बाकी तो सब आपको पता है स्ट्रक्चर क्या है, कैसे सेल मेम्ब्रेन जनरली प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज 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 पैक्टिन है ना, ये ऐसे पैक्टिन एंड पैक्टिन। ओके, तो यहाँ भी ये सब प्लांट है ना, तो प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई थी, सेलुलोज से। लेकिन कुछ स्पेशल जिनमें सेलुलोज के अलावा जैसे एल्गी लाइकोमेटिक कहते हैं, ठीक है, वो सब डायलॉन ये सब भी Zoospores, comma, divide. Cell wall less.